तो दोस्तों जब हम YouTube पर नए आते हैं तो दोस्तों सब कुछ हमारे लिए नया नया होता है, यानी कि हम चैनल बनाते हैं पहली बार तो वो भी हमारे लिए नया होता है, फिर दोस्तों हम वेरीफाई करते हैं तो वो भी हमारे लिए नया होता है। ओके तो दोस्तों ऐसे जितने भी स्टेप होते हैं YouTube पर तो हमारे लिए सब नए होते हैं, क्योंकि दोस्तों हम YouTube पर नए नए आते हैं। ओके तो हम दूसरों के वीडियो देखते हैं तो केवल वीडियो देखते हैं, लेकिन दोस्तों जब वो खुद प्रैक्टिकल कोई काम करता है तो दोस्तों उसके लिए दूसरी बार करना उसी काम को सरल हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों मोनेटाइजेशन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है तो वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो बने रही एंड तक, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप करते हैं या फिर एंड तक नहीं देखते हैं तो फ्रेंड्स आप YouTube ट्रेंडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में YouTube चैनल की बेस्ट चीज़ बताने वाला हूँ, YouTube चैनल की मेन चीज़ बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप इनका को YouTube से अर्निंग होती है। तो चलिए फिर वीडियो में बढ़ते हैं आगे, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला ये था कि दोस्तों यदि आपके वीडियोस पर एड्स नहीं आता, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, तो दोस्तों आप यूट्यूब से अर्निंग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यदि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो आप सोच रहे होंगे कि आप दो चार दिनों में आपके चैनल पर या आपके वीडियोस पर ऑटोमेटिक ही एड्स आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा सोचना आपका गलत है। आपके सभी वीडियोज पर एडवर्टाइजमेंट यानी कि एड्स ऑटोमेटिक नहीं आते हैं, वो आपको खुद इनेबल करना होता है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको अपने सभी वीडियोज को अपडेट करना होता है, और उसको अपडेट करने के बाद आपके सभी वीडियोज पर एड्स आना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको अपने यूट्यूब वीडियोज कैसे अपडेट करना है और कैसे आपके यूट्यूब वीडियोज पर एड्स स्टार्ट होंगे। लगभग 3 दिन में ही अप्रूव हो चुका है मोनेटाइजेशन, आप देख सकते हैं। कांग्रेचुलेशन, यू बीन अप्रूव टू ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। ओके और दोस्तों अब आगे क्या करना है, अब हमें अपने वीडियो में ऐड रन करना है। दोस्तों हम ऐड रन करने के लिए क्या करेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं ये वाइट स्टूडियो पर जो मोनेटाइजेशन है इन ये सभी वीडियोज पर है, तो अभी ये जो है बंद होगा, है ना। तो हम इस यदि आपके चैनल पर वीडियो कम है तो आपको करना क्या है, यहीं से जो है इसे सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कि मोनेटाइजेशन इनेबल कर लेना है। अभी इन सभी को एक साथ में एंड फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अभी जो एडवर्टाइजमेंट है यानी कि जो रुपए आने वाले हैं तो अभी बंद है, किसी भी वीडियो पर ऐड नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब करना क्या, मुझे जो ये मोनेटाइजेशन का ट्रिक है, तो फ्रेंड्स अभी आप देखेंगे कि जो ये वीडियोज हैं मेरे तो इस पर अभी एडवर्टाइजमेंट यानी कि ऐड आना बंद है, ठीक है ना। जैसे कि यही वीडियो है मेरा, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑफ है। ओके तो अप्रूव हो चुका है दोस्तों, अब हमें करना क्या है, अपनी तरफ से जो है ऐड लगाना है अपने वीडियो पर। तो हम जाएंगे सीधे क्रोम पर, क्योंकि यहाँ से हमें प्रत्येक वीडियो में जो है अलग से मोनेटाइजेशन इनेबल करना पड़ेगा, लेकिन हम क्रोम से जाते हैं तो क्रोम से वहाँ एक साथ ही सब वीडियो पर कर देते हैं, ठीक है। अभी जाना है कस्टमाइज चैनल पर। ओके फ्रेंड दोस्तों यदि डेस्कटॉप साइट पर नहीं खुला तो आपको डेस्कटॉप साइट पर इसे खोल लेना है। अब दोस्तों करना क्या है आपको कि यहाँ जो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है तो आपको इस पर क्लिक करना है। ओके एंड दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक तो ईमेल आ चुका है। ओके एंड दोस्तों दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर ये जो है आपका अर्न मनी फ्रॉम योर यूट्यूब, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ आ जाता है जो आपका ये वॉच टाइम शो होता है, तो वॉच टाइम शो नहीं होता फिर ये आ जाता है। अब दोस्तों आपको डायरेक्टली जाना है वीडियोज़ के ऑप्शन पर, तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जितने वीडियो हैं मेरे सभी पर अभी मोनेटाइजेशन ऑफ है। तो आपको करना क्या है, ये वीडियो का ऑप्शन है तो आपको इस पर क्लिक करना है, तो जो सभी वीडियोज हैं सब में टिक लग गया। ओके एक साथ अब हम इनेबल करेंगे मोनेटाइजेशन। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है मोर ऑप्शन का ऑप्शन आता है, यहाँ पर जो है एडिट का ऑप्शन है तो आपको एडिट पर जाना है, और एडिट पर जाने के बाद दोस्तों ये एड सेटिंग है आप लोग देख पा रहे होंगे, तो एडिट पर जाने के बाद आपको इस एड सेटिंग पर जाना है, सॉरी मोनेटाइजेशन पर जाना है, एंड मोनेटाइजेशन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसे ऑन करना है। ओके और ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट का ऑप्शन है तो इसे अपडेट कर देना है।
और यहाँ पर एक बार फिर से हम इस तरह से ऑप्शन आता है, फिर यहाँ पर अपडेट कर देना है। ओके, एंड फ्रेंड्स अब आप देख पा रहे होंगे कि जो ये मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं था, तो अब सब सभी वीडियोस पर जो ये डायमंड ये मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है, ऑन हो चुका है, सभी वीडियोस पर ऑन लिखकर आ चुका है, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।